ये वाला बेस्ट है या फिर ये वाला बेस्ट है? आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने सारे शैम्पू के साथ कर क्या रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हमारे पेट के लिए अगर उन्हें टिक्स हो गए हैं तो कौन सा शैम्पू बेस्ट होता है और मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने ब्रूनो के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे ब्रूनो को बाहर मिट्टी में खेलना कितना अच्छा लगता है, फिर वो गंदा होकर घर के अंदर आ जाता है और उसको टिक्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो टिक्स रिमूव करने के लिए मैं अपने ब्रूनों के लिए ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, कीटोमैक, एंड दूसरा बायोक्लीन का एंटी टिक शैम्पू। ये इजीली आपको किसी भी पेट शॉप में मिल जाएगा। और अगर आपके पेट को इचिंग है या डैंड्रफ हो गया है तो आप उसके लिए ये दो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया था, ये देखिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने ब्रूनों को कैसे नहलाती हूँ और कॉम कैसे करती हूँ। एक्चुअली उसकी हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं नहलाने के पहले भी उसका कॉम करती हूँ और नहलाने के बाद भी उसका कॉम करती हूँ, जिससे डैमेज हेयर जितने भी होते हैं वो निकल आते हैं और घर के अंदर ना हर जगह बाल नहीं रहते हैं, वरना मेरी मम्मी बहुत डांटती है अगर उनको एक भी बाल दिख जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रूनो कर क्या रहा है अभी और कितना गंदा है। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने मिले जल्दी से। तो चलो चल के देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो ये मेरा ब्रूनो है, बाहर से खेल के गंदा होके आ गया है। अच्छा पा कर दो ब्रूनो, पा कर दो, ये ऐसे पानी करेगा, देखना हाँ पा कर दो। तो देखा आप सबने मेरा ब्रूनो कैसे पा करता है। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा सा बच्चों ऐसे रखती हूँ तो छोटे से मैंने उसको सिखा दिया। तो मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा, कोई भी उसको बोलेगा ब्रूनो पा कर दो तो वो ऐसे ही करता है। और मतलब वो ऐसे पानी कर देता है, पहले हमें उसको पा करना पड़ता है फिर वो हमें पा करता है। फिर बाहर निकल गया था तो बाहर से भी गंदा होके आ गया है। और दूसरा तुम अब मुझे उस तरफ आने दो, तब तो मैं तुम्हारी कंघी कर पाऊंगी ना अच्छे से। ये ब्रश यूज करती हूँ इसके कान के लिए, बहुत अच्छे से इसकी हो जाती है, सॉफ्ट भी अच्छा है। छोटू को मजा आ रहा है तो मैं ये ब्रश यूज करती हूँ इसके कान के लिए। और देखिए इसके बाल दिखाती हूँ, तो मैं अभी इसको साइड में रख देती हूँ, फिर एक साथ उठा के बाहर फेंक देती हूँ। तो ये ब्रश क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है ना, तो इसके कान के लिए, फेस के लिए ये अच्छा रहता है। और बाकी हेयर्स के लिए तो मैं नॉर्मल कॉम भी यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो अच्छा सही कॉम ले भी सकते हैं किसी भी पेट शॉप से, मैंने भी एक लिया था बट वो उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे मेरा नॉर्मल कॉम भी अच्छा लगा तो मैं उससे ही कर देती हूँ। तो सभी पेट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है हेयर्स की, कोटिंग इनकी एक बार निकलती है तो इस वजह से मेरे ब्रूनो को भी इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो ये नॉर्मल होता है बट हाँ कभी कभी डैंड्रफ अगर हो गया है तब भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए आप किसी वेट को दिखा सकते हैं अपने पेट को। तो देखा आप सबने कितनी मेहनत का काम है, मुझे पूरा 3 आवर्स लगते हैं इसका, ये सब करने में। तो मेरे लिए काम तो बढ़ गया है, मैं जाती हूँ जल्दी से साफ सफाई करूँ। कितने गंदे हो गए हो, कहाँ घूम के आए हो? हाँ नहीं आ रही छोटू को, नहीं नहीं ना आना।
आदत है, जब भी उसको नहला उसके बाद वो हमेशा सो जाता है। रूनो, छोटू कितना सोगे? और आफ्टर टू आवर्स रूनो उठ चुका है और अब इसे बाहर जाना है। किसको देख रहे हो? रोमी को? चले आओ बाहर चलते हैं। चलो 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 बाहर 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 चल चल चल। ये मैं जाऊं अंदर? जाऊं? रूनो कम आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये दैट्स माय बॉय, कम। और ये मेरा शेर आ गया, फिर से गंदा होके आ गया मेरा रूनो। आज ही नहलाया इसको मैंने और आज ही ये गंदा होके आ गया।